मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक बार फिर युवती के साथ आरोपी युवक के द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म वारदात को अंजाम दिया गया और बाद में युवती को जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस मामला दबाने की भी कोशिश कर रही है। पूरा मामला रीवा जिले के ढबौरा थाना अंतर्गत निवासी एक विधवा को आरोपी जयदीप शुक्ला के द्वारा शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वह युवती के द्वारा जब शादी का दबाव बनाया गया तो आरोपी युवक के द्वारा युवती को जान से मारने की कोशिश की गई, जिस पर पीड़िता को गंभीर चोटें आई। वहीं पीड़िता के द्वारा जब इस बात की शिकायत द्वारा थाने में दर्ज कराई गई तो ढबौरा थाना प्रभारी के द्वारा मामला दबाने की कोशिश की गई। पीड़िता के द्वारा बताया गया कि आरोपी युवक शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ साल से अधिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जब पीड़िता शादी का दबाव बनाई तो आरोपी युवक मारकर पीड़िता को सुनसान जंगल में फेंक दिया, लेकिन पीड़िता बच गई। वह पीड़िता जब इस बात की शिकायत करने के लिए ढबौरा थाने पहुंची तो थाना प्रभारी द्वारा पीड़िता के ऊपर बयान बदलने का दबाव बनाया गया एवं पीड़िता के साथ थाना प्रभारी अभद्रता से पेश आई, जिस पर पीड़ित पहले तो महीनों ढबौरा थाने का चक्कर काटी। इसके बाद थक हार कर रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँच कर रीवा पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रीवा SP के द्वारा पीड़िता को आश्वस्त किया गया कि जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कराकर आरोपी युवक पर कार्यवाही की जाए। दोहरा का जयदीप शुक्ला मेरा कस्टमर था, वो मुझे अश्लील मैसेज भेजता था, मेरे को बहुत तंग करता था और उसके डिप्रेशन में हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया और जो मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठा के बहुत बहुत परेशान करके मेरे साथ रेप भी किया। मेरे को शादी करने के लिए बहुत फोर्स करता था, मैंने मना किया तो मेरे को मारने के लिए भी बोला और जहाँ मैं यहाँ एडिशनल सर के पास आई थी केस करने तो उस दिन मेरी गाड़ी छूट गई थी, फिर मैं वापस जा रही थी तो उसने मेरी गाड़ी यहाँ से छूट गई, उसके साथ गई तो वो मैं वहाँ पे जाके मेरे को अल्कोहल पिला के मेरा रेप करके और बहुत मारा, गाड़ी चढ़ा दिया, बहुत मर्डर, मतलब वो सोचा था कि मर ही गई। उसके बाद थाने में रिपोर्ट नहीं, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, उसके बाद वहाँ पे रिपोर्ट हुआ था जो आज अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई दोबारा से। हाँ, बयान हुआ, FIR हुआ है जिसका हमें ना तो कुछ नहीं दिया। बयान हुआ है, FIR हुआ है, बयान नहीं हुआ नहीं। कितने केवल बयान लिए, कुछ नहीं कराया गया। केस हो सर उसके खिलाफ जो भी है तो उसको सजा हो। बच्चों को भी बहुत पैर है, बोलता है बच्चों को मार दूंगा। वो बच्चे कितने कितने, एक 10 साल का है, एक 6-7 साल का है। आरोपी का नाम जयदीप शुक्ला, पिता का नाम शंकर शुक्ला, राउर डभौरा की। इसकी जांच कराई जाएगी, इसका कार्रवाई होगी। धन्यवाद।